वेलकम बैक टू द चैनल तो हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था सेल्स ओरिएंटेड मॉडिफिकेशन तो इस बार का टॉपिक है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज तो इसको स्टार्ट करते हैं इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है राइबोसोम जो है एसोसिएट होता है प्लाज्मा मेमब्रेन के साथ दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय ट्वेंटी नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स फिफ्टी एस एंड थर्टी एस यूनिट्स विच वैन प्रजेंट टूगेदर फॉर्म सेवेंटी एस प्रोकेरोटिक राइबजोम सबसे पहले तो ये आपको अंडरलाइन करो फॉरन इसको यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए अभी ये वाला टू सब यूनिट्स फिफ्टी एस एंड थर्टी एस प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म सेवेंटी एस प्रो कैरियोटिक रॉइबोजोम के अंदर जो राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं वो है फिफ्टी एस और थर्टी एस और अगर उनको दोनों को एक जगह जोड़कर देखा जाए टुगेदर फॉर्म सेवेंटी एस यूनिट ठीक है ना सेवेंटी एस की प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है ठीक है यू कैडोट्स के अंदर ये एटी होता है ठीक है न सिक्सटी फोर्टी और फिर इधर एटी आ जाएगी देखिए ये डेटा है इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि रटना ज़रूरी है इसका कोई लॉजिक नहीं है इसका लेकिन उसको आपको रटना पड़ेगा तो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है इसके अंदर जो दो सब यूनिट हैं वो फिफ्टी एस और थर्टी एस की है जब उनको ऐड करते हैं तो सेवेंटी एस की प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनता है आपको भी पूछेगा कि आपसे फिफ्टी प्लस थर्टी एटी क्यों नहीं हुआ रीज़न ये है कि एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड रहते हैं मतलब कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ इनका सरफेस सरफेस जाके ऐड होता है जबकि ये एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा अंदर को घुस जाते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सब, न, कम हो जाता है जिसकी वजह से इसका साइज कम हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे सेवेंटी प्रोकेरेटिक राइबोसोम्स। नेक्स्ट पार्ट राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सीवेरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एम आर एन ए सेवरल रोम्स में अटैच टू अ सिंगल एम आर एन ए मैसेंजर आर एन एम स्टैंड फॉर मैसेंजर एंड फोम अ चेन कोल्ड पोली रॉइबोजोम्स और पोलिजोम कई सारे आर एन राइबोजोम जो हैं अटैच हो जाएंगे एक सिंगल मैसेंजर आर एन ए से और एक चेन बनाएंगे जिसको हम पोली रैबोजोम बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे पोली रैबोजोम या फिर पोलिजोम ये इंपॉर्टेंट है द राइबोसोम्स ऑफ अ पोलिजोम ट्रांसलेट द एम आर एन ट एम आर एन ए इंटू प्रोटीन्स जो राइबोजोम होंगे पोलिजोम के वो मैसेंजर आर एन ए को प्रोटीन में जो है ट्रांसलेट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज मान लीजिए आपके पास बहुत सारा खाना आ गया अब उसको क्या करेंगे उसको रिजर्व करेंगे तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकेरटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोपलाज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज जो इंक्लूजन बॉडीज़ है उनकी फॉर्म में जो है आपका रिजर्व मटेरियल स्टोर रहता है प्रोकेरटिक सेल्स के साइटोपलाज में दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन दाइटोपलाज़म ये किसी भी मेम्ब्रेन से जो है बाउंड नहीं है और साइटोपलाज़म के अंदर फ्रीली लाई करती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइफ फ्री इन द साइटोपलाजम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल है फोस्फेट ग्रेन्यूल्स सैनोफेसिन ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया गैस वैक्यूल से क्या होगा फ्लोटिंग के लिए इनकी हेल्प करेंगे फ्लोटिंग में और जिसको हम बो एन सी भी बोलते हैं फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे गैस वैक्यूल्स इसका एक पूछा भी गया है नीट के अंदर तो इसको आप याद रखिएगा जितना भी मैंने रेड रेड में जो किया ना मार्क ये पूरा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स द यूकैरियोटिक सेल्स द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटेस्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास पांच किंगडम है मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट्स एनिमल्स और फंजाई इसमें से ये चार यूकेडोट हैं और सिर्फ ये एक मोनेरा जो है ये प्रोकेडोट है ठीक है ना इसके अंदर प्रोकेडोट इंक्लूड हैं, इसके अंदर सारे के सारे यूकेडोट इंक्लूड हैं, ठीक है ना? तो यूकैडोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोट प्लांट्स एनिमल्स एंड फनजा इन यूकैडोटिक सेल्स देर इज़ एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ cytoplasm थ्रू the presence ऑफ membrane बाउंड organelles देखिए यूकेरोड सेल्स के अंदर क्या था कोई भी ऑर्गेनाइज जो थे बस इधर उधर घूम रहे थे लेकिन ऐसा नहीं है यूकेरोड्स के अंदर ये सब बाउंड हैं एक बिल्कुल जैसे कि मान लीजिए एक जाल बिछा हुआ है जिसके अंदर सबका एक अपना अपना एक स्पेस जो है बिल्कुल बाउंड है जो अपने इस्पेस में बाउंड रहेंगे कोई इधर उधर नहीं घूमेगा प्रेजेंस ऑफ मैम बाउंड ऑर्गेनाइज ठीक है ना यूकेर सेल्स पजेस एंड ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद एन न्यूक्लियर एनवलो वहां पर जो था नेकड न्यूक्लियस था यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है विद एन न्यूक्लियर एनवेलो जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर मैमब्रेन है इन एडिशन यूकेरोटिक सेल्स है वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्सो लोकोमोट्री एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर ठीक है न ये जेनेटिक मटेरियल इज़ ऑर्गेनाइज इन क्रोमोसोम्स। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जो है ऑर्गेनाइज रहता है ऑल द यूकैरिक सेल्स आर नाट आइडेंटिकल जितनी भी यूकेरोटिक सेल्स हैं वो सारी की सारी आइडेंटिकल नहीं है सिमिलर हो सकते सिमिलर और आइडेंटिकल में फ़र्क ही है सिमिलर का मतलब ये होता है मिलता जुलता लेकिन आइडेंटिकल का मतलब ये होता है बिल्कुल हु हुब होना सेम टू सेम बिल्कुल तो ऐसा नहीं है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्म ऑफ प्रोसेस इज सेल वॉल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में डिफरेंट है सबसे पहले डिफरेंट ये है कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो प्लास्टिड हैं वो भी एनिमल सेल में नहीं है वो प्लांट सेल में मिलेंगे और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो भी प्लांट सेल में मिलेगा आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा विच आर एबसेंट इन एनिमल सेल्स ठीक है ना ये लिखा हुआ है अब इसमें में इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए बहुत ज़्यादा ये वाला पार्ट प्लांट सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्म ऑफ प्रोसेस वॉल्स प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एबसेंट इन एनिमल सेल्स ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव आर एबसेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स एनिमल सेल के पास क्या होता है सेंट्रोल्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे प्लांट सेल्स के पास अबसेंट होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया गया है देखिए ध्यान से वर्ड है ऑलमोस्ट इसका मतलब यह है कि कुछ होने चाहिए जिसके पास सेंट्रोल्स मिलेगा कुछ प्लांट भी होंगे वो छोटे होंगे लेकिन उनके पास भी सेंट्रोल्स मिल जाएगा इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट का वर्ड ऑलमोस्ट वर्ड यूज़ किया गया है ठीक है ना ऑल नहीं यूज़ किया गया ठीक है थीके? तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे तो आप इसको पढ़िए और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए इसमें जितना भी डेटा मैंने रेड रेड से किया है ना मार्क किया है उसको बहुत ज़रूरी है आप इसको तैयार कीजिए और मैं और भी आपको इसमें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा नीट के वैल्यू से थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मामर एंड बाउंड सेल्स प्रेजेंट एंडियर इनवेरा ऑफ कम्पलेक्स लॉकमोट ये वाला पार्ट ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ठीक है न इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद करो ताकि ये आपको बाद में प्रॉब्लम ना करे बिल्कुल भी तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू